नमस्कार शिक्षार्थियों मैं डॉक्टर मीरा पाल विश्वविद्यालय के स्वास्थ्य विज्ञान विद्या शाखा के फूड न्यूट्रिशन एवं डायटेटिक्स विभाग में असिस्टेंट प्रोफेसर के पद पर कार्यरत हूँ आज हम यहाँ फूड न्यूट्रिशन एवं डायटेटिक्स की इंट्रोडक्टरी क्लास में आपको वीडियो लेक्चर के माध्यम से जो जानकारी देंगे उसमें आपका स्वागत है सर्वप्रथम मैं आप सभी को ये बता देना चाहती हूँ कि फूड न्यूट्रिशन एवं डायटेटिक्स हमारे जीवन का एक अभिन्न अंग है जिसको हम दिन प्रतिदिन बिना लिए कभी नहीं रह सकते हैं भोजन एक ऐसी हमारी मूलभूत आवश्यकता है जो कि हमारे दैनिक जीवन में उतनी ही आवश्यक है जितना कि बाकी अन्य मूलभूत आवश्यकता है बिना भोजन के हम एक दिन भी नहीं रह सकते हैं बाकी आवश्यकताएँ है तो हमारी द्वितीय श्रेणी में आती हैं तो दोस्तों मैं ये कहना चाहूँगी कि भोजन के बारे में जानने से पहले हम पहले इस विभाग को पूरी तरीके से जान लें कि इस विभाग में हम कितने प्रकार के और कौन कौन से लेवल के कोर्सेज को चला रहे हैं जैसे कि हम इस समय अपने यहाँ एप्लीकेशन ओरिएंटेड प्रोग्राम से लेकर एमएससी तक के प्रोग्राम तक को बराबर चला रहे हैं जिसमें हमारे यहाँ शिक्षार्थियों की संख्या दिन प्रतिदिन बढ़ती ही जा रही है अतः आप लोग इस वीडियो को ध्यानपूर्वक देखें और इससे प्राप्त जितनी भी जानकारियाँ आपको हो रही हैं उन पर अमल करें देखें समझें जानें और हमारे यहाँ कोर्सेज में जो विभिन्न प्रकार के चलाए जा रहे हैं उसमें प्रतिभाग करने की कोशिश करें तो आइए पहले हम देखते हैं हमारा जो विभाग है वो किस किस प्रकार के कार्यक्रम को चला रहा है तो फ्रेंड्स सबसे पहले हम देखते हैं कि फूड न्यूट्रिशन एंड डायटेटिक्स ये हमारे स्वास्थ्य विज्ञान की एक बहुत ही इम्पोर्टेंट विभाग है जिसमें हम 12 प्रकार के कार्यक्रम वर्तमान में चला रहे हैं जिसमें पहला कार्यक्रम है कार्यक्रम जागरूकता से शुरू करते हैं ए ओ सी एन सी यानी एप्लीकेशन ओरिएंटेड कोर्स इन न्यूट्रिशन फॉर द कम्युनिटी इसमें क्या है कि हम कम्युनिटी के लिए किस प्रकार के न्यूट्रिशन की आवश्यकता है कम्युनिटी मतलब समुदाय जैसा कि आप समझ रहे होंगे समुदाय के लिए किस प्रकार के पोषण की हमें आवश्यकता है उसको हम इस आधार पाठ्यक्रम के माध्यम से सारे कोर्सेज़ को कवर करते हुए हम अपने शिक्षार्थियों को पूरी जानकारी देते हैं नंबर दो पे आता है ए पी सी सी एन मतलब अवेयरनेस प्रोग्राम इन चाइल्ड केयर एंड न्यूट्रिशन इसमें फ्रेंड्स हम इस प्रकार की पेपर्स को हमने अपने में समाहित किया है जिसमें चाइल्ड यानी बच्चों से संबंधित किस प्रकार के पोषक तत्वों की आवश्यकता है कितने कितने उम्र में उनको आवश्यकता है उनकी पूरी जानकारी हम इस प्रोग्राम के माध्यम से उनको देते हैं तीसरे नंबर पर आता है ए पी एन एफ मतलब अवेयरनेस प्रोग्राम इन न्यूट्रिशन एंड फूड हम भोजन तो दोस्तों रोज़ करते हैं बिना भोजन के हमारा एक दिन भी नहीं चल सकता है लेकिन भोजन को हम किस वक्त करें कितना करें कौन से भोजन हमारे पोषक तत्वों से परिपूर्ण है कौन से अपूर्ण है उस मात्रा को जानने के लिए उस क्वालिटी को जानने के लिए हमको इस तरह के प्रोग्राम बहुत ही ज़्यादा सहायक सिद्ध होते हैं चौथे नंबर पे आता है सी एन एफ जो कि अभी तक आधार पाठ्यक्रम और एप्लीकेशन ओरिएंटेड पाठ्यक्रम पाठ्यक्रम से एक लेवल ऊंचा है यानी सर्टिफिकेट हम ये छः महीने के कोर्सेज में इंक्लूड करते हैं सी एन एफ यानि सर्टिफिकेट कोर्स इन न्यूट्रिशन एंड फूड ये हमारा लेवल इस एप्लीकेशन ओरिएंटेड प्रोग्राम से एक लेवल ऊपर होता है इसमें हम अपनी जानकारियों को और एडवांस करते हैं जिसमें सर्टिफिकेट छः महीने जैसे कि हम इसमें बता चुके हैं कि दो महीने के कोर्सेज होते हैं ये छः महीने का कोर्स होता है छः महीने के कोर्सेज में हम अपनी जानकारियों को का लेवल और अपग्रेड करते हैं और ज़्यादा जानकारी देते हैं पेपर्स और ज़्यादा इंक्लूड किए जाते हैं तो हम इस तरह से इन छः महीनों में इस सर्टिफिकेट को पूरा कर पाते हैं अब आता है ट्रिपल सी ट्रिपल सी मतलब सर्टिफिकेट कोर्स इन कम्युनिटी एंड न्यूट्रिशन कम्युन कम्युनिटी न्यूट्रिशन में भी सेम चीज जैसा कि मैं ऊपर आपको बता चुकी हूँ कि कम्युनिटी मतलब समुदाय समुदाय एक ऐसी व्यवस्थित संगठित जगह को कहते हैं जहाँ पर दस बीस पचास से अधिक लोगों की संख्या एकत्रित होती है वो एक समान लक्ष्य को लेकर चलते हैं वो एक समान प्रकार के परिवेश में रहते हैं उस कोर्स को जानने के लिए उस कोर्स के बारे में पूरी जानकारी हासिल करने के लिए हम इस प्रकार का सर्टिफिकेट कोर्स चलाते हैं नेक्स्ट आता है हमारा इसका एक लेवल ऊपर हम डिप्लोमा पर आते हैं डिप्लोमा है हमारा डी एच ई एन मतलब डिप्लोमा इन हेल्थ एजुकेशन एंड न्यूट्रिशन अब दोस्तों हेल्थ की एजुकेशन जानना उतना ही आवश्यक है जितना आवश्यक है कि हम डेली अपने जीवन में भोज्य पदार्थों को कैसे ग्रहण करते हैं जब हम भोज्य पदार्थ लेते हैं तो क्या दोस्तों हम ये ध्यान रखते हैं हम क्या ये सोचते हैं कि जो भोज्य पदार्थ हम ले रहे हैं वो हमारी हेल्थ के लिए उतने ही ज्यादा बेनिफिशियल हैं उतने ही आवश्यक है या वो उतने ही पोषक तत्वों से परिपूर्ण हैं जिनकी हमें दैनिक जीवन के लिए आवश्यकता है तो दोस्तों इस प्रकार हम इस इस डिप्लोमा में हम हेल्थ एजुकेशन से संबंधित सारी जानकारियाँ और न्यूट्रिशन से संबंधित जानकारियों के पेपर्स को पढ़ते हैं अब आते हैं हम सातवें नंबर के डिप्लोमा जो कि है डी मतलब डिप्लोमा कोर्स इन डाइटेटिक्स एंड न्यूट्रिशन अब आप हमसे ये पूछ सकते हैं कि मैडम आपने यहाँ ये बताया कि हेल्थ एजुकेशन और डायटेटिक्स और न्यूट्रिशन इन दोनों में क्या अंतर है तो देखिए बेसिक अंतर ये होता है कि हमने यहाँ हेल्थ एजुकेशन एंड न्यूट्रिशन न्यूट्रिशन को हेल्थ इम्प्रूव uh, करने के लिए हमें किस प्रकार से देना चाहिए हम यहाँ पर वो पढ़ते हैं साथ ही साथ हम यहाँ पे ये भी पढ़ते हैं कि जो न्यूट्रिशन जो डाइट हम आप लोगों को दिए जा रहे हैं सामान्य जीवन जग जन जीवन को जो हमारे स्वास्थ्य को प्रभावित करता है अगर हम उसकी विशेष परिस्थितियों विशेष परिस्थितियाँ मतलब यदि वो बच्चा है यदि वो उससे बड़ा है एडोलेसेंस की एज में है वो वयस की एज में है वो किशोर है वो किशोरी है वो एडल्ट है वो सेडेंड्री वर्कर हो सकता है वो मॉडरेट वर्कर हो सकता है या वो किसी डिजीज़ की कंडीशन यानी बीमारियों की अवस्था में हो सकता है उस कंडीशन में हम उसको किस प्रकार की डाइट प्रोवाइड करेंगे ये हमारा इस डिप्लोमा के अंतर्गत आता है इसमें हम कई पेपर शामिल करते हैं जिसमें कम्युनिटी न्यूट्रिशन से लेकर थेरेपेटिक न्यूट्रिशन डाइटरी रिक्वायरमेंट्स न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट्स को ऐड करते हैं दोस्तों अब हमारा आता है प्रोग्राम नंबर आठ डी मतलब डिप्लोमा इन अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन जैसा कि नाम से ही समझ आ रहा है कि अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन यानी छोटे बच्चों की उनकी केयर और उनकी एजुकेशन के बारे में हम जो शिक्षा देते हैं हम जो पेपर्स पढ़ाते हैं वो सब हमारा इस कोर्स के इस कार्यक्रम के अंतर्गत आता है अब हम डिप्लोमा के लेवल से जब हम ऊपर आते हैं तो पी डिप्लोमा इन डायटेटिक्स एंड थेरेपेटिक न्यूट्रिशन जैसा कि हम आपको बता चुके हैं कि डी में भी हम डाइटेटिक्स ही पढ़ाते हैं लेकिन इसका लेवल यहाँ पे डिप्लोमा का होता है और इसका लेवल पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा का होता है इसमें हम डाइटेटिक्स के साथ ही साथ थेरेपेटिक न्यूट्रिशन को बहुत वास्ट लेवल पे पढ़ाते हैं जिसमें हम ये बता पाते हैं कि थेरेपिटिक थेरेपेटिक का मतलब उपचारात्मक पोषण यदि कोई व्यक्ति को किसी प्रकार की बीमारी है तो उस बीमारी की कंडीशन में हम उसको किस प्रकार का भोज पदार्थ जो कि उस जरूरत पोषक तत्वों परिपूर्ण हो वो हम देंगे और उसमें हम डायटेटिक्स के विभिन्न फूड साइंस के विभिन्न प्रकारों को फूड साइंस के विभिन्न वर्गीकरण को हम इस पेपर के इस प्रोग्राम के माध्यम से पढ़ते हैं और समझते हैं अब हम आते हैं पीजी डिप्लोमा इन फूड सेफ्टी एंड क्वालिटी मैनेजमेंट फ्रेंड्स जैसा कि आप फूड सेफ्टी एंड क्वालिटी मैनेजमेंट के नाम से ही समझ गए होंगे कि हम इसमें फ़ूड सेफ़्टी के लिए सरकारी तौर पर गैर सरकारी तौर पर घरेलू तौर पर हम कितने प्रकार की विधियों का प्रयोग करते हैं फ़ूड सेफ्टी के लिए कि हमारी और उनकी क्वालिटी को मैनेज करने के लिए कि हमारा जो फूड आइटम हो वो डिस्ट्रॉय ना हो उसमें किसी प्रकार के माइक्रो ऑर्गेनिज़म्स की वजह से वो नष्ट ना हो उनसे बचाने के लिए और उनकी क्वालिटी को मेंटेन करने के लिए हम इस प्रकार के प्रोग्राम को अपने यहाँ सम्मिलित किए हुए हैं तो दोस्तों मैं ये समझती हूँ कि हमारे यहाँ से जो एप्लीकेशन ओरिएंटेड प्रोग्राम से लेकर डिप्लोमा पीजी डिप्लोमा प्रोग्राम तक के जो कार्यक्रम हैं ये बहुत ही बेनिफिशियल हैं आप अपनी पढ़ाई के साथ साथ किसी भी डिग्री के साथ साथ में ये डिप्लोमा बहुत ही आसानी से कर सकते हैं अब नेक्स्ट आते हैं हम डिग्री पर हमारे यहाँ बी एस सी इन ह्यूमन न्यूट्रिशन नाम का ये जो प्रोग्राम चलाया जा रहा है वो अत्यंत ही आवश्यक अत्यंत ही लाभदायक और अत्यंत ही जानकारी से भरा हुआ है दोस्तों जैसा कि ह्यूमन न्यूट्रिशन अब ह्यूमन न्यूट्रिशन को आप ऐसे समझिए कि मानव जीवन जैसे रोज़ अपनी ज़िंदगी में दिनचर्या में हर तरह की चीज़ें आ, सम्मिलित करता है जैसे हमारी मूलभूत आवश्यकताओं में रोटी कपड़ा मकान वायु जल इन सब चीज़ों की आवश्यकता होती है उसी प्रकार से मानव शरीर में न्यूट्रिशन की क्या आवश्यकता होती है न्यूट्रिशन हमें कैसे प्राप्त होंगे उस न्यूट्रिशन का हम भविष्य में हमारे शरीर पर क्या प्रभाव पड़ेगा उस सब की जानकारी हम बी एस सी इन ह्यूमन न्यूट्रिशन में पढ़ते हैं अब आते हैं हम एम एस सी इन फूड एंड न्यूट्रिशन दोस्तों बी के बाद पी लेवल का जो डिग्री आती है उसको फूड एंड न्यूट्रिशन एम में हमारे यहाँ से प्रोग्राम चल रहा है दोस्तों मैं आपको बहुत अच्छे से और बहुत भली ही भली बातें समझाना चाहती हूँ कि फ़ूड एंड न्यूट्रिशन एक ऐसा ज्वलंत इस वक्त विषय चल रहा है कि जिसमें हर व्यक्ति हर व्यक्ति स्वस्थ रहना चाहता है कोई भी शायद ऐसा व्यक्ति नहीं होगा जो अपने आप को बीमार फील करे Miller या बीमारी के साथ जीना चाहता है कोई भी व्यक्ति बीमारी के साथ नहीं जीना चाहता है हर व्यक्ति स्वस्थ रहना चाहता है क्योंकि स्वस्थ रहना ही हमारे जीवन के प्राथमिक उद्देश्य है तो स्वस्थ रहने के लिए हम इन कोर्सेस को करते हैं यदि तो हमको हर चीज़ की बहुत ही वैज्ञानिक तरीके से जानकारी मिलती है वैज्ञानिक तरीके से हमें सारी इंफॉर्मेशन मिलने के बाद हम अपने व्यक्तिगत जीवन में हम अपने प्रोफेशनल जीवन में इसका बहुत ही अच्छे ढंग से उपयोग कर सकते हैं तो फ्रेंड्स अब हम ये बात करते हैं जैसा कि अभी तक हम ये देख पाए हैं समझ पाए हैं कि फूड न्यूट्रिशन और डायटेटिक्स विषय का हमारे यहाँ किन किन तरह के प्रोग्राम चलाए जा रहे हैं और किस किस प्रकार के ये हमारे लिए बेनिफिशियल है अब दोस्तों अब ये जानना उतना ही आवश्यक है जितना किसी प्रोग्राम के विषय में जानना जरूरी है उतना ही साथ ही साथ हम उसके स्कोप और उसकी एम्प्लॉयबिलिटी के बारे में भी जानना आवश्यक है फ्रेंड्स जब हम किसी कोर्स में एडमिशन लेने जाते हैं जब हम ट्वेल्थ पास करते हैं और हम आगे की पढ़ाई कंटिन्यू करना चाहते हैं उस कंडीशन में हमारे इर्द गिर्द लोग हमें सलाह देने के लिए हम खुद इतने कन्फ्यूज़ होते हैं कि हम कौन सा डिग्री करें कौन से डिप्लोमा लें कौन से आगे हायर एजुकेशन में जाएं कि जो हमारे जीवन में हमारे रोजगार के लिए साथ ही साथ हमारे व्यक्तिगत जीवन में भी उसका अच्छा प्रभाव पड़े तो दोस्तों मैं आपको इसके स्कोप और इम्प्रॉयबिलिटी के बारे में थोड़ी जानकारी दूंगी जिससे कि आप निश्चिंत होकर इस कार्यक्रम में प्रवेश ले सकें और इस कार्यक्रम को ना ही सिर्फ रोजगार की दृष्टि से देखें बल्कि व्यक्तिगत उन्नयन के लिए भी ये उतना ही आवश्यक है तो देखते हैं हम आपको बताते हैं कि जब सर्व सर्वप्रथम हम इसको दो भागों में विभाजित कर लेते हैं हम न्यूट्रिशन से रिलेटेड यानी पोषण खाद्य एवं आहार विज्ञान पथ्य विज्ञान को हम इनके रोजगार को हम पहले दो भागों में विभाजित कर लेते हैं पहला वर्ग यह है कि हम इसको पर्सनल बेनिफिट के लिए कितना यूज़ कर सकते हैं यानी हम व्यक्तिगत रूप से इसका कितना अपने दैनिक जीवन में उपयोग कर सकते हैं कितना हम अपने दैनिक जीवन में अपने परिवार में अपने परिवार के बच्चों में अपने परिवार के किशोर होते लड़के लड़कियों में वयस्क महिलाओं में गर्भवती महिलाओं में प्राण होते हुए लोगों में और वृद्ध लोगों में हम किस प्रकार से इस पोषक तत्व को पोषण को इस पोषण की डिग्री को लेने के बाद हम किस प्रकार से उपयोग कर सकते हैं दूसरा वर्गीकरण में ये आता है कि हम इसको रोज़गार की दृष्टि से यानी कि प्रेजेंट टाइम में जो सिनेरियो चल रहा है उसमें हम बिना रोजगार के बिना मनी अर्न किए हमारा जीवन का जो स्तर है वो सुचारू रूप से चलाना कदापि संभव नहीं है इस कंडीशन में हम इसको प्रोफेशनली कैसे देखते हैं हम आपको वो बताते हैं प्रोफेशनली हम इसमें इसको पढ़ने के बाद इसमें हम अपने व्यक्तिगत जीवन के साथ ही साथ प्रोफेशनल जीवन में हेल्थ कार्यकर्ता यानी स्वास्थ्य कार्यकर्ता जैसा कि रेलवेज बहुत सारी कंपनीज बहुत सारी फैक्ट्रीज इंडस्ट्रियल एरिया में हेल्थ कार्यकर्ता हेल्थ वर्कर्स के रूप में अब बहुत सारे रोज़गार अब उपलब्ध हैं उनको हम ले सकते हैं अपने लेवल के हिसाब से चाहे हमने सर्टिफिकेट किया है या डिप्लोमा किया है या डिग्री किया है ये उसी लेवल पर आता है उसके बाद हम इसको चाइल्ड की केयर के लिए बहुत सारे अस्पतालों में हम नर्सेस की तरह से काम कर सकते हैं जो कि चाइल्ड की केयर और उनसे उनकी मदर्स की केयर के लिए अत्यंत ही आवश्यक है साथ ही साथ दोस्तों हम इसको टीचिंग के हर लेवल पर इस्तेमाल कर सकते हैं जैसे कि यदि हमने डिप्लोमा किया है डिग्री किया है पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा किया है तो हम इसको हाईस्कूल लेवल पर इंटर लेवल पर ग्रेजुएशन लेवल पर और साथ ही साथ पोस्ट ग्रेजुएशन लेवल पर भी हम इनको टीचिंग का एक बहुत ही अच्छा ऑप्शन रोजगार के रूप में ऑप्ट कर सकते हैं साथ ही साथ दोस्तों अगर हम इसमें और अधिक हायर एजुकेशन लेते हैं तो हम इसमें अपनी रिसर्च को और इम्प्रूव करते हैं और हम एक अच्छे रिसर्चर एक अच्छे फूड वैज्ञानिक साबित हो सकते हैं यह हमारे लिए ही सिर्फ आवश्यक नहीं है बल्कि साथ ही साथ हमारे देश के लिए भी उतना ही रोजगारी आवश्यक है जैसा कि हम सभी जानते हैं प्रेजेंट टाइम में हेल्थ के लिए इतना ज़्यादा लोग अवेयर हैं हो रहे हैं इतना ज़्यादा लोग उसकी तरफ भाग रहे हैं कि हम किसी तरीके से जैसा कि आजकल का हमारा सामान्य जीवन चल रहा है हर व्यक्ति डायबिटीज़ उच्च रक्तचाप और विभिन्न प्रकार की बीमारियों से ग्रसित होता जा रहा है ऐसी कंडीशन में हम डाइटिशियन के रूप में रोल प्ले कर सकते हैं और डायटिशन का रोज़गार अपनाकर हम इन लोगों की बीमारियां ना ही सिर्फ कम कर सकते हैं बल्कि साथ ही साथ अपने रोज़गार को भी और बढ़ावा दे सकते हैं तो साथियों चलते हैं कि हम पहले इस विषय जो हमारा फूड न्यूट्रिशन और डाइटेटिक्स है इसको हम किस प्रकार से समझते हैं देखिए हम यहाँ पर फूड न्यूट्रिशन डाइटेटिक्स सबसे पहले हम फूड को समझेंगे भोजन क्या है हम भोजन किसको कहते हैं अब हम किसी भी चीज़ को भोजन नहीं कह सकते भोजन हम उस चीज़ को कहेंगे जो कि हम खाएं और खाने के बाद हमें आवश्यक सभी पोषक तत्व जैसा कि आप जानते ही हैं हमारे छः भोजन में पोष आवश्यक पोषक तत्व हैं वो छो पोषक तत्व हमें पूरी मात्रा में हमें भोजन के माध्यम से मिले जिससे हमारे शरीर की सुचारू रूप से वृद्धि हो विकास हो शरीर के सारे अंग अपनी गतिविधियों को सुचारू रूप से चला सके और साथ ही साथ हमारा मन प्रसन्न रहे हम सामाजिक रूप से हम मनोवैज्ञानिक रूप से और हम शारीरिक रूप से अच्छा महसूस करें भोजन वो है भोजन हम को किसी भी ठोस पदार्थ या पेय पदार्थ को नहीं कह सकते हैं क्योंकि प्रकृति ने हमें दो भागों में भोजन ग्रहण करने वाले प्राणी के रूप में बनाया है एक मानव और दूसरा पशु पक्षियों को वनस्पतिक और मांसाहारी दो प्रकार के भोज पदार्थों की व्यवस्था की, की गई है इसी प्रकार से जैसे कि हमारा जो मानव जीवन का भोज पदार्थ है वो जानवर या पशु पक्षी नहीं ले सकते हैं उसी प्रकार से जो पशु पक्षियों और जानवरों का जो भोज पदार्थ है वो मानव जीवन के लिए हितकर नहीं होता है अब हम यहाँ जानेंगे कि भोजन कितने प्रकार के होते हैं तो दोस्तों भोजन हमारे तीन प्रकार के होते हैं जैसे सात्विक भोजन राजसिक भोजन और तामसिक भोजन अब फ्रेंड्स आप बोलेंगे ये सात्विक भोजन किसे कहते हैं तो फ्रेंड्स सात्विक भोजन उस प्रकार के भोजन को कहते हैं जो ताज़ी हरी पत्तेदार सब्जियाँ ताज़े फल के माध्यम से जो हम तुरंत तैयार करते हैं और तुरंत खाते हैं इसमें किसी प्रकार की उत्तेजनात्मक कोई गुण इन प्रकार के भोज्य पदार्थों में नहीं पाया जाता है जिससे हमें ना ही अत्यधिक क्रोध आता है ना ही अत्यधिक हमें किसी प्रकार की गर्माहट महसूस होती है। ये एक संतुलित व्यवस्थित भोज्य पदार्थ होता है जिसको खाने के बाद हम प्रसन्नचित होते हैं और हमें एक संतुष्टि का अनुभव होता है अच्छा अब आते हैं इसमें जो है राजसिक भोजन राजसिक भोजन किसे कहते हैं तो फ्रेंड्स राजसिक भोजन में वो भोजन आते हैं जो अत्यधिक मसालेदार अत्यधिक स्वादिष्ट हमारी जिह्वा को स्वाद पहुंचाने वाले भोजन को हम राजसिक भोजन में कहते हैं जैसे किसी शादी समारोह में जो भोजन बनते हैं किसी अन्य भोज में जो भोजन बनते हैं उनको हम राजसिक भोजन में कहते हैं उसमें हम खीर पूड़ी पकवान से लेकर विभिन्न प्रकार के मिष्ठानों को भी हम इसमें समाहित करते हैं अब आते हैं दोस्तों हम तामसिक भोजन जैसा कि नाम से ही स्पष्ट हो रहा है कि तामसिक भोजन का मतलब ये जो अत्यधिक हमारे अंदर उत्तेजना पैदा करते अत्यधिक क्रोध पैदा करते अत्यधिक ऊर्जा जिसकी हमें रोज की आवश्यकता नहीं उसको हमारे शरीर में उत्पन्न करते हैं उनको हम तामसिक भोजनों में सम्मिलित करते हैं अब तामसिक भोजन में जैसे कि मांसाहार अंडा मछली इस तरह के जो भोज्य पदार्थ हैं उनको हम तामसिक भोजन की श्रेणी में रखते हैं अब हम कहते हैं कि भोजन का हमारे शरीर में क्या कार्य हम भोजन क्यों खाएं? भोजन खाने से क्या लाभ है तो दोस्तों सबसे पहले तो भोजन हमें एनर्जी देता है यानी हमारे शरीर को ऊर्जावान बनाए रखने में भोजन सर्वाधिक सहायक होता है यदि हम एक दिन भोजन नहीं खाएं तो क्या हम अपने दैनिक कार्यों को कर सकते हैं नहीं कर सकते हैं क्यों क्योंकि हमारे शरीर के समस्त अंगों को हर प्रकार के कार्य करने के लिए ऊर्जा की आवश्यकता होती है और वो ऊर्जा हमें भोजन के माध्यम से प्राप्त होती है ये हमारी ग्रोथ और मेंटेनेंस में सहायक होते हैं हमारे जब बच्चे छोटे होते हैं तो बच्चे बड़े कैसे होते हैं वो बच्चे बिना कुछ खाए पिए या अपने आप से नहीं बड़े हो जाते उनको उनके लिए पोषक तत्वों की आवश्यकता होती है और पोषक तत्व किसके माध्यम से मिलेंगे भोज्य पदार्थों के माध्यम से मिलेंगे तो दोस्तों भोज्य पदार्थ हमारे लिए बहुत ही आवश्यक है हमारे शरीर की ग्रोथ और सेल्स को और हमारी कोशिकाओं को और वृद्धि के लिए और उनके विकास के लिए भोजन आवश्यक है प्रोटेक्शन फ्रॉम इन्फेक्शन मतलब हम अपने शरीर में जिन जिन प्रकार के भोज्य पदार्थों को लेते हैं वो अलग अलग पोषक तत्वों से भरपूर होते हैं वो पोषक तत्व हमारे शरीर में ना ही सिर्फ वृद्धि विकास और उनकी मेंटेनेंस में काम आते हैं बल्कि वो शरीर में रोग प्रतिरोधक क्षमता को भी बढ़ाते हैं हमारे शरीर में बाहर से जो किसी प्रकार के इन्फेक्शन होने का डर होता है किसी प्रकार की और आ, ऐसी चीज़ों का जो हमारे शरीर पर प्रतिकूल प्रभाव करती है वो हमारे शरीर में इस तरह के भोज पदार्थ अंदर से ही इतनी इम्यूनिटी डेवलप करते हैं कि हम उन इन्फेक्शन से लड़ने की क्षमता हमारे अंदर स्वयं ही विकसित हो जाती है नेक्स्ट आता है सोशल फंक्शन ऑफ़ फूड सो अब आप कहेंगे ये सोशल फंक्शन फूड का कैसे हो सकता है होता है सोशल फंक्शंस ऐसे होते हैं कि जब हम समाज में जब हम किसी प्रकार के समारोह में बाहर जाते हैं लोगों को देखते हैं भीड़ इकट्ठा होती है वहाँ पे लोग किसी समारोह शादी होगा बर्थडे होगा या किसी भी प्रकार के समारोह में लोग उत्सव मनाते हैं तो उत्सव मनाने का जो प्राथमिक प्रक्रिया है वो भोज्य पदार्थों से शुरू होती है जब हम अच्छे भोज्य पदार्थों का वहाँ पर सम्मेलन सम्मेलन करते हैं लोग आते हैं खाद्य पदार्थ खाते हैं तो सामाजिक रूप से उनमें एक समन्वय सामाजिक रूप से एक प्रसन्नता सामाजिक रूप से एक एकता वहाँ वो महसूस करते हैं सामाजिक तरीके से वो अपना एक रेपुटेशन बनाते हैं सामाजिक तौर पर लोग एक प्रसन्नचित माहौल में रहना पसंद करते हैं अब आते हैं साइकोलॉजिकल फंक्शंस ऑफ फूड साइकोलॉजिकल फंक्शन भी एक सामाजिक फंक्शन की तरह ही है इसमें भी ऐसा ही होता है कि हम संतुष्ट होते हैं हमारी अपनी संतुष्टि के लिए हम भोजन को करते हैं हम किसी समाज में हम किसी फंक्शन में जाएं और हमें वहाँ भोजन ना मिले तो कैसा महसूस होता है हमें बिल्कुल अच्छा नहीं लगता है हमें लगता है अरे हम तो वहाँ पे गए और हमें वहाँ पे कुछ खाने ये हमारी साइकोलॉजिकल नीड है तो साइकोलॉजिकल नीड भी फूड के द्वारा हम पूरी करते हैं हम किसी फंक्शन में जाते हैं तो वहाँ भी हम जो खाना खाते हैं जो भोज्य पदार्थ उससे हमारे साइकोलॉजिकल नीड भी पूरी होती है फ्रेंड्स इस प्रकार से हम फूड और फूड के फंक्शंस के बारे में हमने जाना तो जैसा कि अभी तक हम लोग ये जान पाए हैं कि फूड फूड के प्रकार कितने होते हैं और फूड के कार्य क्या हैं हमारे शरीर में ठीक है अब इसके बाद हम ये जानेंगे कि न्यूट्रिशन न्यूट्रिशन क्या होता है तो न्यूट्रिशन मतलब होता है कि उसका शाब्दिक अर्थ तो हुआ पोषण अब सबसे बड़ी बात यह है कि फ़ूड तो हम ले रहे हैं अब हमारा प्रश्न ये होना चाहिए कि फूड के बाद अब ये पोषक तत्व या न्यूट्रिशन किसे कहते हैं पोषण किसे कहते हैं तो फ्रेंड्स मैं ये आपको बताऊंगी कि बिना पोषक तत्वों के कोई भी भोज्य पदार्थ किसी एक कचरे के ही समान होता है इससे ज़्यादा वो कुछ भी नहीं है जब तक कि ये हमारे आवश्यक छह प्रकार के पोषक तत्व तो उनमें समुचित मात्रा में न मौजूद हो अब ये हम कैसे जानेंगे कि कोई भी भोज्य पदार्थ हमारे लिए पोषक तत्वों से भरपूर है कि नहीं प्रकृति ने कुछ विशेष प्रकार के भोज्य पदार्थों की व्यवस्था कर रखी है विशेष प्रकार के भोज्य पदार्थों में वनस्पतिक भी हो सकते हैं और वो सहार के माध्यम से भी हम प्राप्त कर सकते हैं पहले आते हैं हम वनस्पति के रूप के माध्यम से जिस प्रकार के हम भोज्य पदार्थों को दैनिक जीवन में प्रयोग करते हैं उनके बारे में जानते हैं प्रोटीन प्रोटीन हमारे शरीर में क्या कार्य करता है आपको ये जानकर अत्यधिक हैरानी भी होगी और जानना चाहिए भी कि प्रोटीन हमारे शरीर में क्योंकि हमारा शरीर जब बचपन से लेके अपनी पूरी ग्रोथ तक लगातार इसमें विकास की सतत प्रक्रिया चलती रहती है उस वक्त हमारी कोशिकाओं में लगातार नवीन कोशिकाएं बनती रहती हैं और पुरानी कोशिकाओं की टूट फूट होती रहती है या उनकी और सेल्स की मजबूती के लिए उनकी और सेल्स की बनाने के लिए हमको प्रोटीन की आवश्यकता होती है वो बच्चों में बड़ों में और सभी में वृद्धि और विकास के लिए उनकी कोशिकाओं की मरम्मत के लिए अत्यंत आवश्यक है अब आते हैं हम कार्बोहाइड्रेट कार्बोहाइड्रेट यानी ऊर्जा का सर्वोत्तम स्रोत जो हमारे शरीर में है वो कार्बोहाइड्रेट के माध्यम से ही मिलता है अब ये कार्बोहाइड्रेट हमें किन किन भोज्य पदार्थों से मिलता है कार्बोहाइड्रेट हमें सीरियल पल्सेज यानी अनाजों दालों और विभिन्न प्रकार के अनाजों से बनी हुई वस्तुओं दालों से बनी हुई वस्तुओं के माध्यम से हमें ऊर्जा प्राप्त होती है ये ऊर्जा हमारे शरीर में जो विभिन्न प्रकार के अंग मौजूद हैं जिनका विभिन्न प्रकार का अलग अलग तरीके के कार्य कर रहे हैं हमारे शरीर में उनको सुचारू रूप से चलने के लिए ये ऊर्जा प्रदान करती है अब हम ये जानेंगे कि कार्बोहाइड्रेट के बाद हमारा नंबर आता है फैट फैट यानी तेल या घी के माध्यम से जो हम ऊर्जा प्राप्त करते हैं अपने शरीर में वो फैट की श्रेणी में आता है अब आते हैं मिनरल्स मिनरल्स क्या कार्य करते हैं मिनरल्स भी हमारे शरीर में उतने ही आवश्यक हैं जितना प्रोटीन कार्बोहाइड्रेट और फैट की आवश्यकता होती है ये हमारे रोगों से लड़ने की क्षमता कैल्शियम आयरन फास्फोरस इस प्रकार की जो हमें छोटे छोटे मिनरल्स की दैनिक जीवन में आवश्यकता होती है वो हमें मिनरल्स के ग्रुप के माध्यम से प्राप्त होती है अब आते हैं विटामिन विटामिन हमारे शरीर में सुरक्षात्मक तत्वों में की श्रेणी में आता है विटामिन दो प्रकार के वर्गीकरण में विभाजित किया गया है एक है फैट सैल्युबिल और एक है वाटर सेलुबिल फैट सैल्युबिल जो विटामिन होते हैं वो फैट में यानी वसा में घुलनशील होते हैं जैसे ए डी ई के जो विटामिन होता है ये वसा में घुलनशील होता है बाकी के जो विटामिन होते हैं वो जल में घुलनशील होते हैं अब आता है वाटर यानी जल जल की भी हमें उतनी ही आवश्यकता है जितनी हमारे बाकी खाद्य पदार्थों की आवश्यकता होती है ऐसा नहीं है कि जल किसी पोषक तत्व में नहीं आता है जल पोषक तत्वों को हमारे शरीर में एक स्थान से दूसरे स्थान में ट्रांसपोर्टेशन में डाइजेशन में और बॉडी के टेम्परेचर को रेगुलेट करने के लिए उनका पीएच बैलेंस करने के लिए हमें जल की अत्यंत आवश्यकता होती है तो दोस्तों ये छह प्रकार के जो पोषक तत्व हैं ये किसी भी भोजन को पूरा करते हैं अब हम कहेंगे कि ये तो पोषक तत्व हो गए यानी न्यूट्रिएंट्स हो गए हैं तो ये न्यूट्रिएंट्स न्यूट्रिशन कब किस स्टेज पर आके कहा जाएगा तो फ्रेंड्स न्यूट्रिशन हमें प्राप्त होता है कि जब ये न्यूट्रिएंट्स हमारे शरीर में इंजेशन मतलब जब हमने इनको ग्रहण किया ग्रहण करने के बाद ये डाइजेशन के प्रोसेस पे पहुंचते हैं यानी हमारे शरीर में मौजूद पाचन क्रिया के लिए जो अंग मौजूद है उनको डाइजेशन की क्रिया में कार्य करते हैं वो डाइजेशन जब यहाँ पर होता है इनका डाइजेशन करने के बाद होने के बाद ये हमारे विभिन्न अंगों से होते हुए जब ये एब्जॉर्पन के लिए जाते हैं तो एब्जॉर्बशन करने के बाद ट्रांसपोर्टेशन यानी ब्लड के माध्यम से ये हमारे पूरे शरीर में प्रवाहित किए जाते हैं और उसके बाद फिर उनके पार्टिकल्स जब हमारी यूटिलाइजेशन यानी ये जो न्यूट्रिशन है जो न्यूट्रिएंट्स हैं इनका जब यूटिलाइजेशन स्टार्ट होता है हमारे शरीर में इस कंडीशन को हम पोषण या न्यूट्रिशन कहते हैं यानी किसी भी न्यूट्रिएंट के यूटिलाइजेशन को हम पोषण कहते हैं वो हमारे शरीर में जब यूटिलाइज हो जाता है तो हमारे शरीर में जिस पोषक तत्व की जहाँ पर आवश्यकता हो चाहे वो ऊर्जा देने की आवश्यकता हो चाहे वो बॉडी बिल्डिंग की आवश्यकता हो चाहे वो रो रोग रो प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने की आवश्यकता हो या सुरक्षात्मक तत्वों के रूप में हो जब हम वो क्रियान्वयन हो जाता है उन पोषक तत्वों का तब हम उसको यहाँ पर यूटिलाइज होने के बाद उसको पोषक तत्व या पोषण कहते हैं उसके बाद बचे हुए खाद्य पदार्थ भोज्य पदार्थ जो डाइजेशन के बाद रहते हैं जिनका यूटिलाइजेशन नहीं हो पाता है उसको एक्सक्रीशन यानी मल के द्वारा बाहर निकाल देते हैं तो दोस्तों इस प्रकार से खाद्य पदार्थों में इतने 6 आवश्यक पोषक तत्व पाए जाते हैं और इन आवश्यक पोषक तत्वों का जब हमारे शरीर में यूटिलाइजेशन होता है विभिन्न प्रकार के शारीरिक क्रियाओं के क्रियान्वयन के लिए तब हम उनको पोषण कहते हैं तो अब हम फूड और न्यूट्रिशन को जानने के बाद अब हम इसके तीसरे शब्द पे यानी डायटेटिक्स पर आते हैं डायटेटिक्स डाइट से बना हुआ है डाइट क्या हुआ है आहार विज्ञान आहार आहार हम दैनिक जीवन में प्रतिदिन लेते हैं ये तो हम इसके पिछले भी अभी हम पढ़ चुके हैं समझ चुके हैं अब आहार में हमें किस प्रकार से आहार लें और किस प्रकार के आहार को हम संतुलित आहार कहेंगे वो हम यहाँ जानेंगे संतुलित आहार यदि हम एक थाली किसी को दे दें खाने के लिए और उस थाली में सिर्फ रोटी और दाल ही दें तो क्या वो संतुलित आहार में माना जाएगा नहीं माना जाएगा क्यों क्योंकि रोटी भी सिर्फ प्रोटीन का स्रोत है और दाल भी प्रोटीन की स्रोत है तो हमें एक पोषक तत्व तो मिला लेकिन बाकी के सारे पाँच पोषक तत्वों की पूर्ति नहीं हो पाई हमारे शरीर को तो हमारे शरीर को अगर पाँचों की पूर्ति नहीं हो पाई तो हमारे शरीर आगे के कार्यों को करने के लिए बाधित होगा इसलिए हम इस थाली को कभी भी संतुलित आहार की थाली नहीं संतुलित आहार की थाली में हम जब छो हमारे जो पोषक तत्व हैं उन पोषक तत्वों की मात्रा जितना कि हमें दैनिक जीवन में आवश्यक है आवश्यक है उसको जब हम बराबर से लेंगे तो हम उस थाली को हम बैलेंस डाइट या उस संतुलित थाली या संतुलित आहार कहेंगे अब हम संतुलित आहार मान लीजिए कि हम लेते हैं तो हमको उसे कब कब क्या हम 24 घंटे में एक बार में ही हम इतना खा ले कि हमें पूरे दिन की आवश्यकता पोषक तत्वों की जितनी है वो पूरी हो जाएगी नहीं हम इनको कई कई सेक्शन में विभाजित करते हैं जैसे हम नाश्ता खाना शाम का स्नैक्स और फिर रात का डिनर हम इन चार भागों में विभाजित करके हम थोड़ी थोड़ी मील को लेकर मील यानी एक बार का आहार हम थोड़ा थोड़ा खाना लेकर हम पूरी दैनिक आवश्यकता जितनी है पोषक तत्वों को उसको पूरा करते हैं यहाँ पर हम आपको बताएंगे कि आई के द्वारा फूड ग्रुप्स बनाए गए हैं जब हम संतुलित आहार की बात करते हैं तो हम संतुलित आहार में जो शामिल होने वाले आहार हैं उनको हम अगर फूड ग्रुप के माध्यम से चुनाव करते हैं उनका तो हमें सही मात्रा में पोषक तत्वों की पूर्ति मिल जाती है जैसे इन्होंने पांच ग्रुप्स में इसको डिवाइड किया है सीरियल और इट्स प्रोडक्ट्स मतलब जो सीरियल हैं यानी जो अनाज है और उनसे बने हुए जो प्रोडक्ट हैं उनके उत्पाद हैं उनको हम इस प्रथम श्रेणी में रखते हैं दूसरी श्रेणी में आता है पल्सेस एंड लेग्यूम्स यानी दालें और दलहन से जितने रिलेटेड खाद्य सामग्री मौजूद हैं दालों की श्रेणी में रखेंगे मिल्क एंड इट्स प्रोडक्ट्स दूध और दूध से बने हुए जितने पदार्थ होते हैं उनको हम इस श्रेणी में रखते हैं उसके बाद मीट और पोल्ट्री से रिलेटेड हमारे जितने मांसाहार आते हैं हमको हम उन्हें इस श्रेणी में रखते हैं और ऑयल एंड फैट्स को हम इसकी पाँचवीं स्टडी में रखते हैं इस प्रकार से हम ये कह सकते हैं कि आई के द्वारा जो ये फूड ग्रुप्स बनाए गए हैं इन फूड ग्रुप्स के माध्यम से हमें क्या क्या फूड आइटम लेने चाहिए जिनसे हमें पूरे पोषक तत्व तो मिल जाए उनकी पूरी जानकारी हमें मिलती है अब आता है प्रिंसिपल ऑफ मील प्लानिंग अब ये मील प्लानिंग क्या है तो दोस्तों मील प्लानिंग बहुत ही आवश्यक है और इसको समझना भी अत्यंत ही आवश्यक है मील प्लानिंग करने का ये जो उद्देश्य है इससे हमें न्यूट्रिशनल एडिक्वेट सभी प्रकार के पोषक तत्व पूरी मात्रा में मिल जाते हैं और फैमिली की जो नीड्स है आवश्यकताएं हैं वो पूरी होती हैं पोषक तत्वों की और फूड ग्रुप से हम फूड को आसानी से चुनाव कर सकते हैं कि हमें किस ग्रुप का फूड आज हमको लेना है और किस ग्रुप के फूड को आज हमें नहीं लेना है उसी प्रकार से इन इकोनॉमिक फिजिबिलिटी लाइक और डिसलाइक्स फैमिली की लाइक्स और डिसलाइक्स में किस प्रकार के भोज्य पदार्थों को हमारा परिवार पसंद करता है किस प्रकार के भोज्य पदार्थों को नहीं पसंद करता है इकोनॉमिकली क्या हमारे लिए उचित है क्या हमारे सीमा से बहुत बाहर है इससे हम मील प्लानिंग करते समय इन सब बातों को ध्यान में रखते हैं साथ ही साथ हेल्दी कंसिडरेशंस और सेविंग टाइम और एनर्जी एनर्जी हमारी सेव होती है समय बचत होता है मील प्लानिंग करने से हमें ये पता होता है कि हमने इन चार भागों में जो अपने मील को डिवाइड कर रखा है उसमें से माइनर क्या है मेजर क्या है यानी हम नाश्ते में क्या खाना चाहते हैं और हमारा खाने दिन के खाने में और रात खाने में क्या हमें सम्मिलित करना है वो हम मील प्लानिंग के माध्यम से तय करते हैं अब इसमें वैरायटी इन मील्स और हाइजेनिक प्रैक्टिसेस मतलब हम जब मील प्लानिंग करते हैं भोज्य पदार्थों के में विभिन्न प्रकार की वैरायटी को सम्मिलित करने को मिलता है अच्छा हम जब वैरायटी की बात करते हैं तो हमारे मील प्लानिंग में एक आता है एक्सचेंज लिस्ट एक्सचेंज में क्या होता है कि यदि हमारे घर में कोई व्यक्ति बीमार है या हमारे घर में कोई जो जो रूटीन का के भोज्य पदार्थ को पसंद नहीं करता है जो उसको नहीं खाना चाहता है कुछ और चीज़ों को खाना चाहता है तो उस कंडीशन में हम क्या करें यदि हमारे संतुलित आहार में हमको प्रोटीन देना आवश्यक है रोज में लेकिन प्रोटीन का माध्यम जो हमारे मुख्यतः हमारे लोगों में रोटी या चपाती को माना गया है अगर कोई चपाती या रोटी नहीं लेना चाहता है तो हम उसको उतनी मात्रा में प्रोटीन कैसे पहुंचाएं ये दोस्तों एक बहुत बड़ा प्रश्न है कि यदि हम अगर वो रोटी के माध्यम से प्रोटीन नहीं लेना चाहता है तो हम उसको उतनी ही प्रोटीन उतनी मात्रा में कैसे पहुँचाएँ कि जब खाने वाले का टेस्ट अलग हो जाए खाने वाले का मन अलग हो जाए लेकिन उसको पोषक तत्व तो उतनी ही मात्रा में उसी तरीके से उसी क्वालिटी का मिले तो दोस्तों यहाँ पर हम एक्सचेंज लिस्ट का प्रयोग करते हैं फूड एक्सचेंज का प्रयोग करते हैं फूड एक्सचेंज उदाहरण के तौर पे मैं आपको बताऊंगी कि मान लीजिए कि एक ग्राम प्रोटीन में हमें चार किलो कैलोरी एनर्जी मिलती है इतना तो आप आ, समझते हो अगर हम एक आइडियल रोटी का वजन ले तो वो 25 ग्राम तक आते बीस से 25 ग्राम की हम एक आइडियल रोटी खाते हैं अमूमन अब एक 25 ग्राम की रोटी में हम चार से अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो 100 सौ किलो कैलोरी एनर्जी हमको प्रतिदिन मिलेगी यानी अगर हम एक 25 ग्राम की रोटी खाते हैं तो हमें 100 किलो कैलोरी एनर्जी प्राप्त होती है अब अगर कोई व्यक्ति उन दो चपातीस को जो दैनिक है उसके लंच का समय में दो चपाती लेता है लेकिन वो दो चपाती नहीं लेना चाहता है उसका खाने का मूड नहीं है तो उस केस में हम उसको कैसे फूड एक्सचेंज लिस्ट के माध्यम से उतनी ही प्रोटीन प्रोवाइड करेंगे तो दोस्तों उस जगह पे हम सीरियल का कोई दूसरा प्रोडक्ट जैसे चपाती गेहूं की ही बनी होती है और गेहूं की जगह हम दलिया को इस्तेमाल कर सकते हैं तो दलिया भी अगर हमारा 100 ग्राम लेंगे हम तो ठीक उसी तरीके से 25 ग्राम की रोटी और 25 ग्राम के दलिया को अगर हम चार क्योंकि एक ग्राम प्रोटीन में चार किलो कैलोरी एनर्जी मिलती है तो हम उसको मल्टीप्लाई करेंगे तो हम दोस्तों रोटी की जगह हम उसको दलिया प्रोवाइड कर सकते हैं और जब दलिया देंगे तो हमारी उतनी ही प्रोटीन की जो रिक्वायरमेंट है डेली की वो हमें प्राप्त हो जाएगी तो इस तरह से दोस्तों आप देख सकते हैं कि हम जब एक्सचेंज लिस्ट का इस्तेमाल करते हैं तो बहुत सारे भोज्य पदार्थों के हमारे पास अल्टरनेट मौजूद होते हैं कि यदि हम आप प्रोटीन एग के माध्यम से नहीं देना चाहते हैं तो हम उसको पनीर के माध्यम से दे सकते हैं हम उसको हरी सब्जियों के माध्यम से नहीं देना चाहते हैं तो हम उसको किसी और चीज़ को कन्वर्ट करके दे सकते हैं तो दोस्तों अब हम आपको यहाँ ये बताएंगे कि डायटेटिक्स हम ये जो मील प्लानिंग करते हैं हम ये जो डाइट देते हैं हम किस प्रकार के एज ग्रुप को किस प्रकार के लोगों को कितना देना चाहिए कि वो उनके जीवन की जो वृद्धि और विकास है वो सुचारू रूप से चलती रहे ये हम डाइट प्लान हम बचपन से शुरू कर देते हैं जब बच्चा छः महीने का होता है और अपने मदर के दूध को छोड़ता है और जब वो उसको दूध छोड़ने के बाद की प्रक्रिया से जब वो खाने की प्रक्रिया में पहली बार प्रवेश करता है सॉलिड खाना शुरू करता है तो उस कंडीशन में हम उसको किस प्रकार का फूड भोज्य पदार्थ प्रोवाइड करते हैं ये ये हमारा मील प्लानिंग वहाँ से शुरू हो जाता है तो हम पहले छोटे बच्चों को यानी कि प्री स्कूल के बच्चों को भोज पदार्थ देना शुरू करते हैं उस वक्त हम उनको कितनी एनर्जी की ज़रूरत है उसको उनको उस वक्त कितने प्रोटीन और कैल्शियम की के ज़रूरत है हम उस वक्त अपने आर डी ए की तालिका को देख कर ये निर्धारित कर पाते हैं कि हमारे बच्चे को उस वक्त कितने पोषक तत्वों की आवश्यकता है और कितनी मात्रा में आवश्यकता है जिससे उसके वृद्धि विकास में कोई बाधा ना उत्पन्न हो उसके बाद आते हैं हम स्कूल गोइंग पे उस कंडीशन में हम उनको प्रोटीन की अत्यधिक मात्रा देते हैं प्रोटीन कार्बोहाइड्रेट फैट से रिच फूड देते हैं जिससे उनकी वृद्धि लगातार होती रहे और वो कहीं पर बाधित ना हो उसके बाद फिर हम एडोलसेंट्स के एज में आने वाले बच्चों फिर हम किशोर और किशोरियों फिर स्त्रियों और पुरुषों फिर गर्भवती स्त्रियों और दुग्धपान कराने वाली माताओं उसके बाद फिर हम प्रौढ़ लोगों को और वृद्धावस्था तक हम मील प्लानिंग लगातार करते रहते हैं मील प्लानिंग के माध्यम से ये अलग अलग एज ग्रुप के अलग अलग लोगों को जब हम मील प्लान करते हैं तो उनको उनकी दैनिक आवश्यकताओं की जो पूर्ति होनी चाहिए पोषक तत्वों के माध्यम से वो पूरी हो जाती है और उनको कहीं कमी नहीं होती है दूसरा आता है दोस्तों थेरेपेटिक न्यूट्रिशन थेरेपेटिक अब आप ये पूछेंगे हमसे कि थेरेपेटिक न्यूट्रिशन क्या होता है तो दोस्तों थेरेपेटिक न्यूट्रिशन ये होता है उपचारात्मक पोषण अब उपचारात्मक पोषण को हम कैसे दे सकते हैं और हमें किसको देना चाहिए तो दोस्तों उपचारात्मक पोषण उनके लिए होता है जो पहले से किसी बीमारी से ग्रसित हो या बीमारी ना हो इसके पहले से वो प्रिकॉशन लेते हैं जैसे आजकल एक सबसे बड़ी समस्या जो बनी हुई है वो होती है ओबेसिटी ओबेसिटी एक ऐसी बीमारी की जड़ कह सकते हैं रूट कॉज कह सकते हैं किसी बीमारी का जिसकी वजह से हम विभिन्न प्रकार की बीमारियों को दावा देते हैं न्यौता देते हैं यदि हम अपनी ओबेसिटी को यानी हम अपने मोटापे को कम नहीं करते हैं तो विभिन्न प्रकार की बीमारियाँ होने की संभावनाएँ बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है जैसे ओबेसिटी के माध्यम से अगर ओबेसिटी निरंतर बढ़ता रहता है हमारी बीएमआई लगातार निरंतर बढ़ती जाती है हम उसके थर्ड कैटेगरी पे आ जाते हैं तो उस कंडीशन में हम उच्च रक्तचाप के शिकार हो सकते, में हो सकते हैं डायबिटीज हो सकती है और दोस्तों जैसा कि आप जानते हैं कि डायबिटीज इस वक्त एक ज्वलंत बीमारी के रूप में उभरी हुई है और ये हर तीसरे चौथे आदमी को आपको सुनाई दे जाएगा कि किसी को डायबिटीज़ हो गया है तो डायबिटीज से बचने के लिए उच्च रक्तचाप से बचने के लिए और किडनी की विभिन्न बीमारियों से बचने के लिए हमको अपने दैनिक जीवन में संतुलित आहार का सेवन करना चाहिए तो दोस्तों इस प्रकार आपने जाना कि फूड न्यूट्रिशन एवं डायटेटिक्स विषय का शाब्दिक अर्थ उसकी परिभाषा और उसके उपयोग को हमने विभिन्न स्तरों पर और बहुत ही व्यवहारिक और वैज्ञानिक तरीके से जाना दोस्तों हम अपने नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में अपने अवेयरनेस प्रोग्राम से स्टार्ट करेंगे और उनके सभी पेपर्स को वन बाय वन पढ़ाते हुए हम अपने एमएससी के प्रोग्राम तक आपको संपूर्ण जानकारी इस वीडियो लेक्चर के माध्यम से देते रहेंगे समय समय पर तो दोस्तों आपको ये वीडियो लेक्चर कैसा लगा इसके लिए आप हमें कमेंट कर सकते हैं आपको कोई जानकारी की आवश्यकता हो आप हमारे क्वेश्चन बॉक्स में अपने क्वेश्चन सेंड कर सकते हैं और हम इसका उत्तर पूरी तरीके से देने की कोशिश करेंगे आपकी सारी क्वेरीज को, को, को संतुष्ट करने की पूरी कोशिश करेंगे हमारा नेक्स्ट वीडियो लेक्चर आगे आने वाले लेक्चर्स की सीरीज़ में अवश्य देखें धन्यवाद